ने उन्नत झारखंड की रघुवर सरकार ने झारखंड को अनीमिया मुक्त बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए 1 से 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजॉल टैबलेट दी जा रही है, जिससे कि बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होंगे और उनमें खून की कमी नहीं होगी। एनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे झारखंड में अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 38 लाख बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट दिया जा रहा है। पाकुड़ में भी बच्चों को कृमि की दवा खिलाई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार का इतना अच्छा कर्मसूची है, हम लोग भी सहायता करेंगे और दवा खाएंगे। टोटल बच्ची दवा खाएंगे। कितना बच्ची है आपके स्कूल? मेरा स्कूल में अभी मिडिल प्राइमरी और हाई स्कूल लेके 700 से 750। उन सभी बच्चों को लक्ष्य के अनुरूप रखे हैं और लगभग हमारे जितने प्राइवेट स्कूल हैं उसकी जो उसमें जो भी बच्चे हैं वो भी हमारे लक्ष्य में निहित हैं। इसमें जो एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जा रही है ये कृमि की दवा है, जिसमें बच्चों में जो बेचैनी और बहुत तरह का जो पढ़ाई में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन रहना आदि होते हैं, ये सब दूर हो जाएंगे। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है जो स्वास्थ्य से संबंधित है। पाकुड़ जिले के 6 ब्लॉक में ये अभियान चल रहा है। 4,11,000 बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी सरकारी, गैर सरकारी, आंगनबाड़ी केंद्र और ड्रॉप आउट बच्चों को गोली खिलाई जा रही है। यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। 1 से 2 साल के बच्चों को आधी गोली और 2 साल से 19 साल तक के बच्चों को एक गोली खिलाई जा रही है। ये हमारे जिला में 4,01,000 बच्चे का टारगेट है। इसमें सभी स्कूल, सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सभी CSC और सभी स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग इसका सेंटर बनाए हैं और ये चूँकि सेंटर में आके नहीं, हम ही लोग जाके खिलाएंगे। 17 तक चलेगा, 13 तारीख को मॉप अप है, लेकिन सब इससे भी ज़्यादा चैलेंज मेरे लिए है जो स्कूल में नहीं है निबंधित, जो किसी विद्यालय महाविद्यालय में नहीं है, जो आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं है, उन लोग जो छूटे हुए हैं, जो कहीं कूड़ा चुन रहे हैं, कोई कचरा चुन रहे हैं, कोई पोलिथीन चुन रहे हैं, उन बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाना मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस अभियान से एनीमिया का खात्मा होगा और स्वस्थ और सुखी झारखंड का निर्माण होगा, जो सरकार की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।